वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 23। सोनू एंड मोनू आर दी नेबरहुड बुलीज। सोनू और मोनू पड़ोस के बदमाश हैं, बदमाश बच्चे हैं। दे डू नॉट प्ले फेयर एंड ऑफन टीज दी गर्ल्स। वह फेयर निष्पक्ष नहीं खेलते हैं, सही तरीके से खेल नहीं खेलते हैं और लड़कियों को चिढ़ाते भी हैं। दे ऑल्सो यूज़ बैड लैंग्वेज एंड बीट अप स्मॉल चिल्ड्रन। वे बुरी भाषा का भी प्रयोग करते हैं और छोटे अपने से छोटे बच्चों को भी बीट मारते हैं। सच चिल्ड्रन आर नॉट लाइक्ड बाय अदर्स। ऐसे बच्चे दूसरों के द्वारा पसंद नहीं करे जाते हैं। दे आर नेवर इंक्लूडेड इन एनी टीम गेम। और वह किसी टीम गेम में, कोई टीम गेम होता है तो उसमें नहीं शामिल किए जाते हैं। अब आप लोग अपना एग्जांपल लेके देखो, अगर कोई बच्चा है जो बहुत मारता है, सिर्फ अपनी अपनी चलाता है, हम उसको गेम में थोड़ी लेते हैं। हम कैसे बोलते हैं कि नहीं वो आएगा तो फिर वो फिर अपनी मर्जी की करेगा, उसके हिसाब से ही होगा, फिर वो मारता भी बहुत है तो हम लोग उसको नहीं खिलाएंगे, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही इसमें लिखा है कि ऐसे बच्चे, बुलीज, ऐसे बदमाश बच्चे को कोई खिलाना भी नहीं चाहता है टीम गेम में। दे ऑलवेज आर डिस्टर्बिंग पर्सनैलिटीज़ इन बिटवीन द गेम्स एंड मेक द गेम लेस इंटरेस्टिंग। वो जो है ऐसे लोग होते हैं जो कि गेम के बीच में डिस्टर्ब करते रहते हैं, गेम के बीच में वो लोग क्या डिस्टर्ब करते रहते हैं और गेम को इंटरेस्टिंग नहीं बनाते हैं, उसको उल्टा और लेस इंटरेस्टिंग कर देते हैं कि आपका फिर खेलने का मन ही नहीं होता है। पीपल हु आर सपोर्टिव एंड इन्जॉय प्लेइंग politely are always welcomed by others to play। लोग जो कि सपोर्टिव होते हैं और politely नम्रता के साथ खेल खेलते हैं, उनको सभी लोग बुलाना पसंद करते हैं, सभी लोगों के द्वारा वो बुलाए जाते हैं। We should follow certain steps to be a good team player or game player। हमें ये सब स्टेप्स जो आपके 8 स्टेप्स दे रखे हैं, इसे फॉलो करना चाहिए एक अच्छा टीम प्लेयर या गेम प्लेयर बनने के लिए। फर्स्ट, डोंट हिट एनीवन ड्यूरिंग द प्ले। खेलते समय, खेल के दौरान किसी को मारे नहीं। डोंट पुश एनीवन व्हाइल प्लेइंग। खेलते समय किसी को पुश धकेले नहीं। डोंट किक एनीवन। किसी को किक ना करे, मीन्स किसी को पैरों से ना मारे, किसी को लात ना मारे। अवॉइड चीटिंग अदर्स। चीटिंग जो है वो अवॉइड करें। बी अ गुड लिसनर। एक अच्छा सुनने वाला बने कि अगर कोई कोई बात बोल रहा है तो हमें उसको ध्यान से सुने। डेवलप हैबिट ऑफ शेयरिंग थिंग्स विद अदर्स। दूसरों के साथ चीज़ें बांटने की हैबिट डालें। डोंट अब्यूज़ एनी वन इफ़ यू डिफर विथ दैम। किसी को गाली ना दें। वाइल मेकिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस विद अदर टीम प्लेयर ऑल्सो। अगर कोई आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं गेम कैसे खेलेंगे तो बाकी सब प्लेयर्स के साथ में भी डिस्कशन होना चाहिए। अगर आप लोग टीम में खेल रहे हो तो टीम के जितने मेंबर्स हैं सभी से पूछोगे कि हम ये करेंगे, सबकी सहमति हो तभी हमें करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है बाद में फिर इश्यूज होते हैं, लड़ाई हो जाता है। नेक्स्ट, फ्लाइंग काइट्स। इट इज़ 26 जनवरी एंड सोनम, हरीश, दिया एंड राघव आर वेरी एक्साइटेड। यह 26 जनवरी है और सोनम, हरीश, दिया और राघव जो है वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। इन देयर कॉलोनी देयर इज़ अ काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन। उनकी कॉलोनी में, उनके मोहल्ले में काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन है। देयर आर ऑल्सो अदर ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द नियर बाई सोसाइटी हु आर गुड एट फ्लाइंग काइट्स। और बाकी के दूसरे ग्रुप्स भी हैं जो कि नियर बाई पास की सोसाइटी से आए हैं और वो लोग भी काइट उड़ाने में अच्छे हैं। देयर नेम्स आर, उनके नेम हैं अनुज, गौरव, अभिषेक एंड विवेक। अंकल सैम ब्रॉट स्पेशल काइट्स एंड थ्रेड नीडेड टू फ्लाई द काइट। अंकल सैम जो है वह स्पेशल काइट्स और थ्रेड
धागा लेकर आए हैं पतंग उड़ाने के लिए जो ज़रूरी होता है. ऑल द पीपल आर एट होम. सारे लोग अपने घर पर हैं. काइट फ्लाइंग स्टार्टेड. पतंग उड़ाना शुरू हुआ. देयर वर शाउट्स ऑल अराउंड एंड द स्काई वॉज फुल ऑफ कलरफुल काइट्स. हर जगह शोर मचना शुरू हो गया और आसमान जो था वह रंग बिरंगी कलरफुल काइट से भर गया. सुन ऑल द काइट्स डिसअपियर्ड वन बाय वन एंड ओनली राघव्स काइट वॉज लेफ्ट फ्लाइंग. धीरे धीरे सभी की काइट जो है वह डिसअपियर्ड गायब होना शुरू हो गई. मीन सबकी कटती गई, ऐसे ही गायब होगी ना, तो आसमान खाली होने लगे और लास्ट में एक ही इंसान की काइट बची. वह किसकी थी? राघव की. ही वॉज डिक्लेयर्ड एज द विनर. और जिसका लास्ट तक बचता है वह क्या बनता है? विनर. ही वॉज अवॉर्डेड विद अ स्कूल बैग किट. उसे स्कूल बैग किट अवार्ड के रूप में दिया गया एंड अ ट्रॉफी. और एक ट्रॉफी. ऑल द पीपल वर हैप्पी एंड वेंट टू देयर होम हैप्पीली. सभी लोग खुश थे और खुशी खुशी वह अपने घर चले गए. नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 24 रीड करेंगे. थैंक यू.